अच्छा अब हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे और कन्वर्जन करेंगे चैप्टर नंबर 8 की और कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 ये सारे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कुछ है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जंस, आप मदरजा सेल कन्वर्जंस कैसे करेंगे। पहली है मीथेन टू इथेन। लो जी पहली कन्वर्जन हमारे पास आ रही है मीथेन इनटू इथेन, मीथेन इनटू इथेन। अब सबको पता है मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और इथेन का फार्मूला होता है C2H6। मीथेन का फार्मूला क्या है CH4 और इथेन का फार्मूला क्या है C2H6। अब थोड़ा गौर फरमाएं, कांसेप्ट क्लियर कीजिएगा। कांसेप्ट में ये है कि मीथेन में कितने कार्बन एटम हैं, एक। इथेन में कितने कार्बन एटम हैं, दो। इसका मतलब हमने लेस कार्बन रखने वाले कंपाउंड को ज्यादा कार्बन रखने वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करना, ये मतलब है ना। हां तो ऐसी कन्वर्जन के हमेशा दो स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है क्लोरीनेशन, पहला स्टेप आएगा हमारे पास क्लोरीनेशन। फर्स्ट स्टेप इज क्लोरीनेशन। तो अब क्लोरीनेशन कैसे होगी आइए देख लेते हैं। क्लोरीनेशन करवाने के लिए आप सबसे पहले मीथेन लें और मीथेन को मैं इस तरह से लिख लूं, अगर तो तब मैं नाजुक पे कोई चीज गिरा तो नहीं गुजरेगी। मीथेन है ना CH4, तो मैंने कैसे लिख लिया CH3H। ओके अब मैं क्या करता हूं, इसकी करवाता हूं क्लोरीनेशन। तो मॉलिक्यूलर क्लोरीन को मैंने Cl2 की जगह Cl बॉन्ड Cl लिख दिया और अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए आई एम इन नीड ऑफ सनलाइट, मुझे सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। और अब होगा क्या, आप सबको पता है अल्केन के बारे में बता चुका हूं कि अल्केन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अल्केन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा जो मिलेगा इस क्लोरीन से। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे और जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा HCl+। अब क्या बचा मिथाइल ग्रुप और क्लोरीन, तो ये बन गया बेटा CH3Cl। दिस इज मिथाइल क्लोराइड, समझ आई बात की। दिस इज मिथाइल क्लोराइड। अब आप क्या करो, इस मिथाइल क्लोराइड को लो और अब दूसरा स्टेप करवाओ और वो दूसरा स्टेप है रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद सोडियम। Reaction of methyl chloride with sodium. Methyl chloride को हमने अब sodium के साथ मिला। लो जी ये methyl chloride, इसमें दो molecule CH3Cl और इसको मिला दो बेटा जी two atoms of sodium के साथ, but sodium is highly reactive matter, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर medium को रख लेंगे, kerosene oil रख सकते हैं, ether रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं जिससे इसकी लिक्विड में कंट्रोल किया जा सके। अब जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्लोरीन एटम इस दोनों सोडियम को ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, क्लोरीन बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप। वन इज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सेकंड इज हाईली एंड दे डाई टू रिएक्ट विद ईच अदर। क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा 2NaCl, क्या बन जाएगा 2NaCl। अब क्या बचा आपके पास, दो मिथाइल ग्रुप ये ऐसे जुड़ जाएंगे CH3 CH3 यानी C2H6। तो अब आप देख लें मीथेन से आपने इथेन बना दी, मीथेन से आपने क्या बना दी इथेन। अच्छा अब नेक्स्ट वीडियो करते हैं, अभी ना करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन जो हमारे पास आ रही है क्वेश्चन नंबर 9 से, वो आ रही है इथेन टू मीथेन। अब इथेन से मीथेन में आपने जाना, तो इसमें आपने पहला स्टेप ये करना है कि जो इथेन है ना उसकी ऑक्सीडेशन करा। अब याद रखना व्हेन ऑक्सीडेशन, बल्कि आप यहां पे लफ्ज लगा लें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, व्हेन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टेक्स प्लेस
place, then it will be converted. It will be converted into alcohol. ये बात आपने रोज़े रोशन की तरह आपने समझ रखी कि जब भी आप अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा? अल्कोहल. क्या बनेगी? Then oxidation of alkane takes place. Then we will always have alcohol. Clear होगी बात? अच्छा, अब आप ले लीजिए और catalytic oxidation हम करेंगे. तो अब आप ले लें सबसे पहले इथेन. इथेन का formula क्या होता है बेटा? CH3. ठीक है. अब आप ले लो nascent oxygen, यानी कि atomic oxygen, which is very very reactive. और अब आप इस दौरान एक सूटेबल कैटालिस्ट यूज करोगे और वो है कॉपर, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक हो गया? ये हमारे पास CH3 था. मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो तब है नाजुक पे कोई चीज गिरा तो नहीं गुजरेगी. आपको पता है ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री. तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करके इट इज हैविंग लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब देखो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? CH3, आगे क्या आ जाएगा? CH2. और जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? OH, दैट इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? इथाइल अल्कोहल. एनी प्रॉब्लम इन इट? समझ आ गई? अब नेक्स्ट आप क्या करें, इसी इथाइल अल्कोहल को लें CH3CH2OH और इसको मिला दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3MgI. दैट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. बड़ा तफसील से हम पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है. क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ये जनाबे वाला कंपोजिट मिक्सचर है तीन चीजों का. नंबर 1 अल्काइल ग्रुप, नंबर 2 मैग्नीशियम, नंबर 3 हैलोजन. तो अब देखें इस रिएक्शन को हमने करवाया तो क्या से कैसे रिएक्शन होगा. ये वाला H इस वाले मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा. क्या बन गया भाई जी? शाबाश, ये बन गया हमारे पास CH4. मिथेन बन गई. मैग्नीशियम के साथ क्या अटैच था? आयोडीन. और अब लग जाएगा OCH2CH3. OCH2CH3. तो अब आप देख लो आप इथेन से किसमें आ गए. नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास आ रही है एसिटिक एसिड इनटू इथेन. तो एसिटिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करना होगा हमें. तो सबसे पहले तो एसिटिक एसिड ले लो CH3COOH. इसको COOH नहीं पढ़ना, इसको COOH पढ़ना है. और उसके बाद इसको मिला दो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ. और जब आप 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मिला दोगे तो यू आर आल्सो इन नीड ऑफ अ लिटिल अमाउंट ऑफ फास्फोरस ओवर हियर. तो अब जरा गौर फरमाइएगा इस पूरे रिएक्शन में सबसे पहले तो ये जो आयोडीन है ये अलग हो जाए. आयोडीन के कितने एटम है? तो इसका मतलब ये 3 मॉलिक्यूल्स की शक्ल में लागू होगी. इसकी शक्ल में लागू होगी. अच्छा अब देखो हमने बना लिए थे CH3 वाला ग्रुप. ये CH3 एसिड रहेगा, इसके साथ ये कार्बन अटैच है, ये भी एसिड रहेगा. अब हमारे पास तरह देख रहा जो चीजें बची हैं वो ये यही चीजें बची हैं ना. आयोडीन हम पहले अलग कर चुके, CH3 C ग्रुप हमने बाहर लिख दिया. अब मुझे बताओ मेरे पास यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कितनी है? 7. 3 में इधर लगा इथेन बन गया प्लस. अब मुझे बताओ टोटल हाइड्रोजन कितने बचे? 4. टोटल ऑक्सीजन कितने बचे? 2. लो 2H2O. समझ आई बात की? आपने एसिटिक एसिड को 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड से मिलाया फास्फोरस एज अ कैटलिस्ट. तो आप देख सकते हैं आयोडीन के 6 के 6 एटम तीन मॉलिक्यूल बन के लागू हो गए. उसके बाद CH3 C ग्रुप को मैंने यहाँ पे लिख दिया. टोटल
मेरे पास सात हाइड्रोजन थे, तीन मैंने सी कार्बन के साथ दे दी, दो कार्बन को टेट्रा वैलेंसी पूरी कर ली होती, और बाकी चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो गए। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो कन्वर्जन आ रही है हमारे पास वो मीथेन इनटू नाइट्रोमीथेन। तो मीथेन ले लीजिए आप, और ये सात सी कन्वर्जन CH3H, ठीक है, और मैं इसको मिला देता हूं नाइट्रिक एसिड के साथ। जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है तो थोड़ी सी मेहनत तल्ला करना पड़ता है, क्योंकि 450 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर चाहिए दैट दिस टू रिएक्टर्स हीट ईच अदर। तो जनाब वाला थोड़ा गौर फरमा लीजिए, यहां से OH निकलेगा, यहां से ये वाला H निकलेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, बन जाएगा वाटर प्लस मिथाइल ग्रुप बचा, नाइट्रो ग्रुप बचा, CH3 NO2, this is called as nitromethane। याद रखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोमीथेन, सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है कई प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, एंड दैट्स इट।